जय शिवानंद, जय मरियामा। मैं तो स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ आप लोगों की कि बंजारा समाज एक सबसे बड़ा समाज है, और सबसे सबसे बड़ा समाज है जिसको जो रीति रिवाज परंपरा के साथ में सबको साथ लेके चलने वाला, यदि अगर कोई समाज है तो सिर्फ बंजारा गोर समाज है। तो मैं दूसरे समाज के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है और हर जगह पर लिखा हुआ है कि जिस धर्म में पैदा होते हो उस धर्म का उद्धार करो। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो कोई ओपन टॉक नहीं करेंगे, अरे अंदर ही अंदर, मतलब मुंह पे एक रहता है, दिल में एक रहता है, और हर समाज अपने लिए काम करता है। लेकिन मेरा एक ही समाज ऐसा है जो कि अपने खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखने वाले लोग बुरा ना माने, लेकिन ये रियलिटी है कि आप लोगों का खुद का कोई अस्तित्व है। आप बुरा ना माने आपके दिल को, लेकिन ये रियलिटी है। आपको समाज में कहीं पे कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई भाषा सीखना नहीं चाहता है, आपके समाज में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहता है, राइट? जैसे घर वापसी हो, है कि नहीं, ये कोई नहीं चाहता है। देखिए, हर समाज के लोग अपने अपने रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा को बचाए रखा हुआ है। यदि अगर मैं आपको मुस्लिम समाज की बात करूँ, तो मुस्लिम समाज सिर्फ मुसलमान जो इस्लामिक रीति रिवाज होते हैं वही उसी का पालन करेंगे। आप उनको उनके घर कभी ब्राह्मण नहीं देखे, मैंने उनके घर जाके कभी लाइक फादर को नहीं देखा है, क्रिश्चियन का फादर जाके प्रे करता है, ऐसा वैसा मैंने मेरे लाइफ में तो कभी नहीं देखा है। हो सकता है, मतलब शायद हजारों लाखों में एक आपको मिल जाए, लेकिन नहीं है। ठीक है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह को जानते हैं, और क्योंकि वो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, एक भरोसा है। कुछ भी हो जाए, तुम दुनिया सारी भाड़ में चली जाए, लेकिन अपने ईमान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यदि अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूँ, तो सारे के सारे लोग सिर्फ यीशु प्रभु को जानते हैं। लेकिन ये जो गौर समाज बंजारा है ना, ये हर जगह पे जाता रहता है। आधा समाज दरगाह जाता है, आधा जो है क्रिश्चियन जाता है, और बचा हुआ जो है वो मतलब मंदिर मंदिर और मस्जिद मस्जिद करके घूमता रहता है। तो ये है परंपरा। और सबसे पुराना यदि अगर कोई समाज है, तो मुझे पता है सिर्फ बंजारा का समाज है। लेकिन आपके समाज की कोई भाषा नहीं करता, आपके समाज में कोई परिवर्तन नहीं करता, आपके समाज में कोई रीति रिवाज जो होती है वो कभी सिखाए नहीं, क्योंकि आपके जो बड़े लोग हैं वो कोई कभी बात नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे वो तो मतलब मिली भगत की जैसे है। तू तू आधा घर लूट ले, मैं आधा घर लूट लेता हूँ, किसी को समाज से कोई लेना देना है ही नहीं। वो खाली ऊपरी ऊपर बातें करते रहे कि समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, समाज ऐसा होना चाहिए, मतलब लाइक धर्म के लिए लड़ो। लेकिन धर्म के लिए लड़ने के लिए टाइम है किसके पास? देखो, आप इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो क्या होगा कि बंजारा समाज गौर धर्मिक था, अभी नहीं है, ऐसा हो जाएगा। मैं जब काफी रिसर्च करता रहता हूँ, काफी यानी कि बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ, जब मैं रिसर्च करता हूँ स्लोली स्लोली जब डीप में चला जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है यार कि मतलब ये बंजारा समाज जो गौर समाज है, ये सबसे पहले हम है या ये दूसरे लोग है, समझ में नहीं आता है। मतलब इतना डीप में जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि यार हमारे जो पूर्वजों से, मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ, जब घूमता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है कि गाँव गाँव घर घर जाऊँगा, और लोगों से मतलब पुरानी जो बातें हो बाहर निकालने का मैं प्रयास करूँगा अभी इसके आगे। जब मैं ज़्यादा सोचता हूँ, जब डीप में चला जाता हूँ, तो पता चलता है कि यार ये मतलब हम पहले थे या दूसरे लोग पहले थे। बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन अपने जो लोग हैं वो ना ही आपको देखते हैं और ना ही आपको पसंद करते हैं, सुनेंगे नहीं। मतलब वो बंजारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, पॉलिटिशियन समझो या 30 मार्के लोग जो समझो, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपने दिल की खुद की करते हैं। यदि अगर एक जगह पे कहीं कहीं प्रोग्राम रखा हुआ है आप लोगों ने, और उस प्रोग्राम के अंदर यदि अगर आप चेयर्स रखे हुए हैं और चेयर्स के ऊपर यदि अगर उनका इन्विटेशन नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं, आपकी आपकी जो टेंट है या जो जो मंडप अपने मारा है ना, उसको लात मार के चले जाएंगे, और ऊपर से बोलेंगे कि ये नहीं सुधरेंगे। समझ मेरी बात? अब ये लगाया किसके लिए है, क्यों है, उसका रीजन क्या, पर्पस क्या था, ये तक जानने के प्रयास नहीं करेंगे ये लोग। हाँ, आपने उनको वहां पे बैठने के लिए स्पेस नहीं दिया, खत्म हो गई बात। यदि अगर आप उनको वहां पे बैठने के लिए जगह देते ना, ठीक है, और कुछ नहीं है उनको, जो रटी बटी जो दिमाग में दो चार बातें होती है ना, वही होती है। इंसान के पास क्या होता है, इंसान उतना ही बोलता है जितने पास उसका ज्ञान है। इंसान बस उतना ही बोलता है जितना उसके पास ज्ञान है। यदि अगर आपको और ज्यादा ज्ञान चाहिए, तो लोगों की बातें सुनना चाहिए,
लोगों की बातें सुनना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना आपके पास है वो तो है, लेकिन उसमें ऐड ऑन और दो चार बातें ऐड हो जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि सुनना, लेकिन आप सुनते नहीं हो। यही हमारी मतलब कमजोरी है, इसीलिए दूसरे लोग आके आपके ऊपर राज कर रहे हैं। सबसे बड़ा समाज यदि अगर कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर, तो सिर्फ गोर धर्म, गोर बंजारा समाज है। लेकिन अपने ही लोग अपने लोगों को नहीं जानते, आपके कोई रीति रिवाज पता नहीं है, कि मतलब आप घुघरत कौन है पता नहीं है, बाणत कौन है पता नहीं, भुकिया कौन है पता नहीं, बानोट कौन है पता नहीं, ठीक है, तेजावत कौन है पता नहीं, नेनावत कौन है पता नहीं, शेखावत पता नहीं, राणावत पता नहीं, सोमावत पता नहीं, चौहान पता नहीं, राठौड़ पता नहीं, राठौड़ राठौड़ भी शादी कर ले रहे लोग, कहाँ चले जा रहे हो आप लोग भाई भाई। गुगलत गुगलत भी शादी कर ले, गहलत गहलत भी, पवार पवार की शादी कर रहा है, कहाँ उल्टी नदी बह रही है यार। एक किसको पूछ रहा हो, और हर काम के लिए ब्राह्मण के पास जाते हो? कोई मुस्लिम कभी ब्राह्मण के घर जाता है क्या? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ईमान होता है, अरे यदि अगर कुछ होगा तो होगा, ऊपर वाला होगा। उसी तरह से यदि अगर आपके समाज में मतलब गौर धर्म के समाज के अंदर यदि अगर कुछ है, सबसे पावरफुल यदि अगर कोई है तो जगदम्बा भवानी है, उसको लोग जाते हैं। सेवालाल को यदि अगर कोई तलवार दी थी तो जगदम्बा भवानी, शिवाजी महाराज को यदि तलवार दिए थे तो वो भी जगदम्बा भवानी, ठीक है। महाराणा प्रताप को यदि अगर कोई प्रसन्न था वो भी जगदम्बा भवानी थी। पृथ्वीराज चौहान जी के पास यदि अगर कोई ताकत थी तो वो भी जगदम्बा भवानी थी। उस धर्म के हो, उस समाज के हो आप लोग, आपको आपका भगवान पता नहीं है, और निकले पड़े मस्जिद आधे, चर्च आधे, गुरुद्वारा आधे, और अगर कौन देगा? बाप की प्रॉपर्टी किसको जाएगी? बेटे को जाएगी, दूसरों को बाप कहेंगे थोड़ी कुछ देंगे। और रही बात, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे इंसान रूप है, इतना समय समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है। और रही बात, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप जिस धर्म में पैदा होते हो, उस धर्म का उद्धार करो। ये सारे लोग हिंदुस्तान के लिए अगर एक हो जाएंगे ना, तो देश के ऊपर राज किसका आएगा? बंजारों का राज आएगा। लेकिन आप, यूनिटी है ही नहीं आप लोगों के बीच में, आप लोग तो एक होते ही नहीं हो। तो सबसे पहले धीरे अगर आप सब लोगों को एक जगह पे लाना है, तो वो इमोशनल पॉइंट क्या है, वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। तो वो पॉइंट क्या है कि आप अपनी बोली भाषा को जतन करें, आपके वेशभूषा को जतन करें, और आपके जो देवी देवता है ना, उनको जानो कि ये मेरे कौन है, उनको पहचानो। लाइक नो प्लीज मेक इट अंडरस्टैंड कि ये कौन है, थोड़ा डीप में जाके उसको रिसर्च करने की बात करो। आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ के जो लोग हैं, जो गुजराती बंजारा है या राजस्थानी बंजारा है, उन्होंने मुझे संपर्क किया था, तो बता रहे थे कि बाबा आपकी जो भाषा है तकरीबन महाराष्ट्र और तेलंगाना उस टाइप की है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा समझ भी नहीं आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कृपया करके हिंदी में एक बार वार्तालाप कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आपके बार हिंदी में बात करें, तो मैंने हिंदी में बात किया। और रही बात, यदि अगर हिंदी भाषा की मैं बात करूँ, तो हिंदी भाषा पैदा हुई हमसे हुई है, हम किसी से पैदा नहीं किए गए, ठीक है। ये क का की जो भाषा बोलते हैं ना, उसको नगरी भाषा बोलते हैं। हमारे जो नायक बोलते हैं, मेरे नगरी में यदि अगर तू पैर रखेगा तो टांग फोड़ देंगे। तो रही बात, जो नागरी भाषा है उसको देवनागरी बनाया, ना जाने किसने बनाया, मुझे पता नहीं है। जीरो जो आधा घंटे का प्रोग्राम होता है, इसके अंदर सारी बातें नहीं बैठ पाएंगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने धर्म को जानने की प्रयास करो, और मेरी जो बातें हैं इन लोगों को पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम को खुल्लम खुल्ला ओपन टॉक कर देते हैं, इसमें कोई किसी के बाप से डरने की बात नहीं है, राइट। जान है तो जान है, मतलब ये आप लोगों की कॉन्सेप्ट है, तो आप डर के मारे कर बोल रहे हो ऐसा, जान है तो जहान है। अरे काहे का जहान है, गुलामी है, आप लोग जी रहे हो गुलामी में, जी रहे हो, गुलामी से बाहर निकलो, राज करो। सारे बंजारा हिंदुस्तान के लिए अगर एक जगह पे हो गए ना, तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? बंजारा का समाज का होगा। आपको बनाना पड़ेगा, जब तक आप जागोगे नहीं तब तक नहीं होगा ये सब। अरे देश के कितने सारे लोग हैं तेलंगाना में, यदि अगर मैं यदि अगर बात करूं तो 90% लोग यदि अगर हुए कोई है तो बंजारा समाज के लोग हैं, गोर माटी जिसको हम बोलते हैं ना, गोर समाज के लोग हैं। और महाराष्ट्र में मैं तो बोलता हूँ ना, महाराष्ट्र के मतलब जाधव चव्हाण पवार राठौड़ ये जो है ना, सारे के सारे बंजारा हैं। कर्नाटक के सारे बंजारा हैं, ये नेनावत सुमावत शेखावत घुघलोत, ये सारे के सारे बंजारा लोग हैं, राइट। बाजीगर पूरा बंजारा है, हरियाणा का पूरा बाजीगर समाज बंजारा है, और वंजारी और बंजारा जो है गुजरात पूरा बंजारा का है। अरे मैं तो कहता हूं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारा का सारा बंजारा समाज का है। ये सारे लोग यदि अगर एक जगह पे हो जाए, और ये लोग यदि अगर जान ले, जिस तरह से मुस्लिम संगठित है, जिस तरह से क्रिश्चियन संगठित है, उस तरह से सभी बंजारा यदि अगर एक जगह पे आ जाए, तो देश का राजा कौन होगा?
देश का राजा बंजारा समाज का होगा। और सेवालाल जी का एक वाक्य है कि लांबेर तांडेन गोर जाए न बारा कोशे पर दियो बड़े। ये लांबेर तांडेन क्या है? तांडो, तांडो हमेशा अलग रहता है गांव से। जहां जहां पे हर समाज के जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं गांव, और जहां पे सिर्फ बंजारा के लोग होते हैं उसको बोलते हैं तांडो, तांडा। एक कहावत है, माता मरियम्मा एड़ी और जगदम्बा माता के सामने एक बोल बोली जाती है। उस बोल का एक सेंटेंस है कि कड़े में कमर पट्टी, गड़े में पट्टी, गौरा मंडे चढ़ी गामेटी छेटी। लाती कने गिरगा नगाड़े हूं, ये मतलब कहीं रंग का तो जो गोरमाटी छ वह हर हमेशा कहे को गामी थी छेटी रस वन के तांडो और तांडो बताड़न रखाड़ो। मैं तुम से एक दा गाओ दूसरे देवेन धोगे छोड़ आपको। मैं तो ओपनली कह रहा तुमने कि कतरा ही कितने थे बाप पर प्रॉपर्टी बेटा ने जावाड़ दूसरे जावाड़ छेनी। तुम एक आदि जर बाप करें के तो वो रही अस्सी तुमने जावाड़ छेनी। मैं हिंदी में बताता हूँ, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने देवी देवताओं को जाओ, आप अपने भगवान को देखो, दूसरों के पीछे मत भागो। क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी किसको जाएगी? बेटे को जाएगी। आप यदि अगर किसी को बाप कहोगे तो उसकी सारी कमाई और पैसा टक्का आपको कभी नहीं देगा। देगा तो कौन? खुद का बाप देगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जिस धर्म में पैदा होते हो धर्म का उद्धार करो, वरना ऐसा हो जाएगा कि बंजारा समाज एक था जो अब नहीं है, ऐसा हो जाएगा। और कितने दिन गुलामी के साथ रहोगे? गुलामी अभी आप लोगों ने आए, मुझे तो मेरे दादाजी बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के ऊपर नहीं, मतलब पूरी ये जो मतलब पहले जो था हिंदुस्तान ये कैसा था वो मुझे मतलब काफी कह के गए और बताते गए। कहते थे कि मतलब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारा का सारा जो है एक ही राजा के अंडर में था। कंदार बिंदार मतलब कहाँ पे वो इराक ईरान उस तरफ की बातें है ये। ठीक है, तो वो सारा जो एरिया था वो किसका था? तो मतलब बंजारा का समाज का था। और इनके ऊपर जो राजा थे कहते हैं कि मतलब कभी 1400 मुझे पता नहीं मतलब कब की बात है, लेकिन उस समय की बात है कहते, जहाँ पे राजा भोज होके चले गए। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूथली बोलते? तो राजा भोज कौन से समाज के थे? बंजारा समाज के थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राजा भोज जो थे वो गोर समाज के थे। अब बंजारा ये पर्टिकुलर वर्ड किसने बनाया मुझे पता नहीं। इसके ऊपर मैं कहूंगा कि आखिर में बंजारा शब्द कहाँ से पैदा हुआ, क्यों बनाया। लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है उसको गौर बोलते हैं, जो गौ माता के रक्षक करता है उसको गौर बोलते हैं, जो विचार करता है उसको गौर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट करता है, जो गवर्नेंस करता है उसको बोलते हैं गौर बोलते हैं। ठीक है, तो ये गौर समाज जो है वो आप लोग हो, उसी को बंजारा समाज, गौर समाज बंजारा समाज एक ही है मेरे भाई। ठीक है, बंजारा वो क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गौर समाज आपको कहते हैं इस बात का जरूर सृष्टि में कर सकता हूं। गोर यानी कि आपको कहते हैं, और जो गोर नहीं है दूसरों को कोर कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? जो गोर यानी कि कोर, कोर कोर यानी कि क्या होता है? कोरा कागज होता है। कोरा कागज जिसके ऊपर कोई आचार विचार प्रदान रीति रिवाज परंपरा वो नहीं रहता है। इसको काका पुपा नाना इसको कहना चाहिए, उठना बैठना सिखाना चाहिए, ये सब जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं कोर। और गोर किसको बोलते हैं? कि जहां पे सारी बातें सिस्टमेटिक होती है। देखो किसी के पास यदि अगर हम कागज लेके आते हैं उसके ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं है तो कोर कागज बोलते हैं उसको। और जिसके पास मतलब सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है, सब कुछ समझ से है, तो उसको बोलते हैं गोर। गिर के दे दिया यार, तूने तो बहुत लिख दिया इसके ऊपर, है ना? उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक, जो लाइन होती है बीच में उसको बोलते हैं गोर, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उसको बोलते हैं कोर। बहुत सारी बातें हैं, हल्लू हल्लू मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझिए कि आप यदि अगर गौर समाज के हो तो गौर समाज में रहिए, गौर समाज की बातें पालिए, गौर समाज में रहिए, गौर समाज की वेशभूषा का पालन कीजिए, गौर समाज का जो रीति रिवाज है उसका पालन कीजिए, दूसरों के पीछे मत भागिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर मतलब धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान ये मेरा गौर है, तो इसीलिए मुझे ऐसा मजबूरन आज हिंदी में बात करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था कि बाबा आप थोड़ा सा हिंदी में बात करो, क्योंकि आप जो भाषा में बात करते हो हमको समझ भी नहीं आती है। तो देन आई थॉट कि लेट्स गो अहेड एंड टॉक टू इन हिंदी ओनली। तो मैंने बोला हिंदी में बात करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मेरा समाज तो पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए तेलंगाना के जो लोग होते हैं जो तेलुगु बात करते हैं आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे?
तेलंगाना के अंदर, मराठी वाले कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र के अंदर। बंगाली वाले कहाँ मिलेंगे? बंगाली के अंदर। लेकिन भाई जो गोर समाज के जो लोग हैं ना, गोर बोली बोलने वाले लोग, आपको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मिलेंगे। कश्मीर तो छोड़ो यार, पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। गोरा तालिबान, गोरा नेपाली, गोरा चानी, अरे बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, लेकिन रिसर्च तो रिसर्च है भाई, आज नहीं तो कल हम करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ बता के जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप बंजारा समाज के दिख रहे हो, जिस समाज में पैदा होते हो, उस समाज का उद्धार करो, कल्याण करो। समाज की जो बोली भाषा है उसको जतन करके रखिए, समाज की जो परिभाषा है उसको समझने की प्रयास कीजिएगा कि क्या है, वरना आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई भाई से शादी कर लेगा। फिर अभी यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब पता नहीं है कि वो राठौड़ है, चौहान है, पवार है, यादव है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चार गोत होते हैं मेन, उसके बीच में बाद में जो है उसके अंदर बाणावत, भुकिया और नैनावत, सोमावत, राणावत, शेखावत, ये सारे लोग आते हैं और पता ही नहीं चलता कि शेखावत शेखावत से शादी कर ले रहा है। देखो गोत्र के अंदर कैसे होता है, अपने पास मुड़ के 6 गोत होते हैं। अब 6 गोत के अंदर कौन कौन आता है, जैसे कि मूड आ गया, और सफावट हो गए, कोर्रा हो गए, लवड़ा हो गए, और मतलब इस तरह है। तो अभी कोर्रा और सफावट दोनों की शादी नहीं हो सकती, लवड़ा और मूड दोनों की शादी नहीं हो सकती, और मूड और सबावट दोनों भाई भाई, उनकी शादी नहीं हो सकती। तो ये जो छोक होते हैं भाई है, लेकिन अभी समाज में जो चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। सबावट है, पता नहीं उनको कुछ भी नाम न दे रहे, हाँ सबावट और मूड दोनों शादी कर ले रहे, बाद में पता चलता है यार भाई निकले। क्योंकि भाई आप दोनों की शादी से कोई नहीं, समाज में मतलब और भी जो डीप लोग होते हैं उनका नाता निकलता है, ऑटोमेटिक जो डीएनए खींच लेता है लोगों को, अपने अपने लोगों को पहचान लेते हैं, तो पता चलता है यार ये दोनों तो भाई भाई निकले, इनकी शादी किसने करवाई? और भगवान उन लोगों को बच्चे भी नहीं देते। मैंने बहुत सारे देखे जो भाई भाई से शादी करते हैं उनके बच्चे नहीं होते। अरे बच्चे होंगे तो बोलेंगे क्या कल, ये तो मतलब कलयुग की बात होगी पूरी, है ना? तो इसीलिए देखिए आप अपने गोत्र क्या है, आप अपना समाज क्या है, रीति रिवाज क्या है, वो सब जानने की प्रयास कीजिएगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे वाले लोग, मैं जो बातें कर रहा हूँ आप उनके दिमाग में नहीं घुसेगा, वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे यार। यदि कर इसकी जगह पे मैं यदि कर गाना बीना गाऊंगा, नाचूंगा ना, तो 100% ये स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन ये कड़वी बातें कभी स्प्रेड नहीं होगी, कोई देखेगा ही नहीं इसको, कहाँ से स्प्रेड होगी ये सब? ठीक है, तो इसीलिए आप अपने समाज को जो है ना बचा के रखो, गौर समाज को बचा के रखो। इसके लिए संदेश चव्हाण भैया और काशीनाथ नायक, काशीनाथ नायक तो अभी गुजर गए हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी बुक लिखी हुई है इसके ऊपर, और काफी एक टीम है, गौर शिकवाड़ी है, गौर सेना है, दिन रात इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि समाज के लोगों को संगठित करने में। तो उनका हाथ भार दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिएगा, और जब भी आपको मतलब गौर सेना के लोग, गौर शिकवाड़ी के लोग मिलते हैं, उनका मान सम्मान कीजिए, क्योंकि वो है आपके लिए जी रहे हैं, वो मतलब खुद के लिए नहीं जी रहे, क्योंकि क्योंकि गोद शिकवाड़ी की जो मुखिया लोग हैं उसके अंदर जो बच्चे हैं ना, उन्होंने शादी नहीं किया है, उन्होंने सोचा है कि गौर धर्म के लिए हम जिएंगे, गौर धर्म के लिए ही मरेंगे, हम कभी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगे, कभी संसार के बीच में नहीं पड़ेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, सन्यासी आएंगे सन्यासी जाएंगे, लेकिन समाज के लिए जिएंगे। ठीक है, वैसे आप कुछ कीजिएगा, जय सेवालाल, और ये कड़वी बातें सबसे ज़्यादा सब लोगों को शेयर करना चाहिए।